ब्लॉगर्स को क्या क्या करना पड़ता है दूसरों के घर में इन्वेड। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि मुन्नार की एक बात है जो बहुत सिंपल है पर फिर भी बहुत खास है, और वो है यहाँ की सड़कें और नज़ारे। यहाँ इतनी हरियाली है कि मेरी आंखों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा तो समय लगा। Anjal, I am back with another travel episode, and this time I am in Munnar. Yes, everybody, we are here to attend another magic summit which is happening in Kollam, but we decided to make a trip to Munnar, a short trip to Munnar. So yeah, here I am all ready, all set to explore Munnar. तो आज की इस खूबसूरत सुबह के साथ शुरुआत होती है एक नए सफर की, जो मैं कर रही हूँ मंजू और राज उर्फ मेरे आदरणीय माता पिता और विनोद भैया के साथ। और सबसे पहले हम प्रस्थान कर रहे हैं एक नेशनल पार्क की ओर। So now we have come to Iravikulam National Park, which is on the highest peak of Munnar called Unnapudi Peak. It costed around 125 rupees per adult and 40 rupees for the camera. And now we'll take the bus and explore the national park. But one thing more that I would like to add on here is कि हमारे ड्राइवर ने और टूर गाइड भैया ने बताया कि जब यहाँ पे भीड़ होती है तो आप मुन्नार टाउन में जाकर एक नेशनल रिजर्व ऑफिस है, फॉरेस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके आप रिजर्वेशन करा सकते हो। तो हमने वो रिजर्वेशन कराई है, उसकी वजह से हमें फास्ट फॉरवर्ड एंट्री मिलेगी। बाद मुझे पता चला कि ये केरला का पहला नेशनल पार्क है, और अगर खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाना है तो काफ़ी ऊपर हाइक करके माउंटेन पर जाना पड़ेगा। खैर, नज़ारों के साथ साथ हमको यहाँ की सबसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के भी दर्शन हुए। ये हैं एक माउंटेन गोट, जिसको नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। The views are really good, really awesome. बहुत ही बेमिसाल views हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान के बीच में ही चल रहे हैं। So hike करने के बाद नज़ारे जो मिलने वाले हैं वो बेहद खूबसूरत है, मगर आपका hike का plan नहीं है तो ये जगह आप skip कर सकते हो। आंटी क्या बेच रही हो? बहुत मीठा है, 20 रुपीस वन पैकेट एंड 20 रुपीस वन पैकेट एक लेने का है। मीठा पाइनएप्पल मैडम, बहुत मीठा बड़ा पैकेट। अब हम आ गए हैं माटुपुट्टी डैम, जो स्पीड बोट्स जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। ऐसा लग रहा है या तो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगा ये सब, दिल्ली वापस जाना है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यहीं रहने दो, दिल्ली जाकर क्या करना है। वो सही ही तो कहते हैं कि मुन्नार आकर भी चाय के बाग नहीं देखे तो क्या मुन्नार आए। तो ये लो जी, हम चल दिए इंडिया के फर्स्ट टी म्यूजियम को देखने।
जो देश चाय पर चलता हो वहाँ पर चाय कैसे बनती है ये जान पाना अपने आप में ही एक अनुभव है। मैंने यहाँ आकर पत्तियों से चाय बनने की प्रक्रिया देखी और समझी भी। उससे मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि चाय सिर्फ एक चस्का नहीं, हम को स्वास्थ्य रखने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। बहुत फ्रेश है। तो यहाँ खत्म होता है दोस्तों मेरे मुन्नार के दूसरे दिन का सफर। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत सारे जादू और जादूगरों के साथ।